व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप लोग। थोड़े दिन पहले की बात है, एक बंदे ने मेरे आसपास एक बढ़िया सी बाइक ली थी एंड उसके बाद ही वाज ऑल गियर्ड अप के भाई इसमें क्या क्या लगवाना है बाइक में, राइड पे जाना है, राइड पे जाना है, राइड पे जाना है। बट मैंने उसके मुँह से कभी ये नहीं सुना कि मेरे को कौन सी राइडिंग गियर खरीदनी है। जब राइडिंग गियर खरीदने की बात आती है तो लोग बाइक में पैसे खर्चे के बारे में नहीं सोचते कि यहाँ 4 लाख लगा दिए, बट अगर 30-35 हज़ार की राइडिंग गियर खरीदनी हो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है ये। एंड एक और एरिया है जिसपे लोग बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करते हैं, आई डोंट नो क्यों, विदाउट राइडिंग गियर खरीदे लोग ना सोचते हैं यार अपनी बाइक में एक तगड़ा सा कोई एग्जॉस्ट लगाते हैं, ऐसा एग्जॉस्ट जो ऐसी आवाज़ें करें, ऐसी आवाज़ के जब आप बाइक लेके रोड पे निकलो तो चारों तरफ से लोग आपकी तरफ देखें, दे आर लाइक अटेंशन हंग्री। मैं अटेंशन हंग्री होना राइट या रॉन्ग तो नहीं बोलूंगा, बट यार जो एग्जॉस्ट पे खर्चते हो ना पैसे, लोगों को देखता हूँ मैं कि 30,000, 40,000, 50,000 खर्च रहे हैं। बड़ी बड़ी बाइक्स की बात करें तो लोग 1.5-2 लाख भी खर्चते हैं बाइक पे। राइडिंग गियर के मामले में जितने पैसे होते हैं उतने बचाने की कोशिश करते हैं। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल डू नॉट इन्वेस्ट इन प्रॉपर राइडिंग गियर। जो लोग नए बाइक चलाना स्टार्ट करते हैं, टूरिंग के बारे में बात करते हैं, उन लोगों को ना आइडिया नहीं होता कि कितनी की राइडिंग गियर अच्छी आ सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट सेटअप फ्रॉम हेड टू टो, कितना खर्चा होता है एक डिसेंट राइडिंग गियर खरीदने में। आई फॉर वन फील दैट इजिली अराउंड 35,000 to 40,000 में आपको एक अच्छी सी राइडिंग गियर का पूरा सेट मिल सकता है। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल एंड शो यू वॉट यू कैन एक्चुअली गेट इन द 35,000 to 40,000 रुपी बजट। सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद अ हेलमेट। हेलमेट ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सर को बचाता है और वी ऑल नो दैट। हेलमेट की जो प्राइस रेंज है ना बहुत ज़्यादा वाइड है, 2,000-1,500 का भी एक हेलमेट आता है एंड उसके बाद 1 लाख से ऊपर के भी हेलमेट्स आते हैं। सो जब आप राइडिंग स्टार्ट कर रहे हो आपको एक डिसेंट हेलमेट चाहिए जिसके अंदर ठीक ठाक सर्टिफिकेशन हो। सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन ऑफ द हेलमेट्स दैट आई हैव फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। दिस इज़ डॉट सर्टिफाइड, दैट मीन्स सर्टिफिकेशन के हिसाब से इट इज़ क्वालिटी वाइज ठीक ठाक हेलमेट है। दिस हेलमेट कम्स इन एट अराउंड 4,000 रुपीज़। सो स्टार्ट करने के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड हेलमेट। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट आई वुड से अगर आप बहुत ज्यादा हैवी सुपर बाइक्स चला रहे हो एंड यू आर कंसिस्टेंटली डूइंग 140-150 km/h इस तरह की चलाने की आपकी आते हैं तो आई वुड से आपको एक ना प्रॉपर अच्छा हेलमेट लेना चाहिए। अगर आपने बाइक पे पैसे खर्चे हैं तो हेलमेट पे डेफिनेटली ठीक ठाक पैसे खर्चने चाहिए। मैंने जब राइडिंग स्टार्ट करी थी आई स्टार्टेड विद अ हेलमेट विच वॉज लाइक अराउंड 6,000 रुपीज। वो 3-4 साल अच्छा चला, 3 साल इनफैक्ट सही चला एंड उसके बाद आई फेल्ट इट वॉज अ लिटिल हैवी तो लाइटर हेलमेट्स देखने की आदत पड़ गई। एक बार वो फील कर लिए देन आई मूव्ड ऑन टू बेटर हेलमेट विच वॉज फ्रॉम AGV, प्राइसिंग ऑलमोस्ट लाइक 30-35,000 का हेलमेट है वो। बट हाँ, वो मैंने 3-4 साल बाइक चलाने के बाद लिया। सो स्टार्ट आउट करते समय यू कैन स्टार्ट विद समथिंग विच इज इन द रेंज ऑफ अबाउट 5,000 to 10,000 रुपीज डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट, किस टाइप का वेट आपको सूट करता है। सो नेक्स्ट अप लेट्स टॉक अबाउट द राइडिंग जैकेट। अगर आप राइडिंग जैकेट के बारे में देखो ना, राइडिंग जैकेट्स आपको डिफरेंट प्राइस सेगमेंट्स में अगेन मिलेंगी। यू शुड लुक एट 2 or 3 things when you are buying a riding jacket. एक, जिस material की jacket बनी है उसकी abrasion resistance क्या है। Abrasion resistance मतलब जब आप for example, God forbid I should say, bike से गिरते हो and घिसते हुए जाते हो road के साथ, तो जो जिस material से jacket बनी होती है वो determine करता है कि वो material घिसने पे फटेगा road से और आपकी skin पे scratches आएंगे कि सिर्फ riding jacket पे ही scratches आएंगे और riding jacket का material फटेगा नहीं। So जितनी better abrasion resistance है उतनी ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन मिलती है। तो समथिंग लाइक अ 600D कॉर्डुरा, ये एक स्पेसिफिकेशन है, अगर आप उसके लिए जाओगे तो आपको ठीक ठाक अब्रेजन रेजिस्टेंस मिलेगी, काफ़ी अच्छी मिलेगी इनफैक्ट 600D में। उसके बाद आपको आर्मर देखना है। आर्मर ऑब्वियसली शोल्डर पे होता है, चेस्ट पे होता है, बैक पे होता है, दीज आर द मेन एल्बोज पे होता है, दीज आर द मेन एरियाज जहाँ पे एक अच्छा आर्मर होना चाहिए। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द आर्मर इन द राइडिंग जैकेट, वो 2-3 टाइप का आता है। एक आता है नॉक्स का, एक आता है D3O आर्मर आता है। सो रॉयल एनफील्ड खारदुंगला V2 जैकेट जो मैंने अभी जैकेट पहनी है इसके अंदर D3O आर्मर है। नॉर्मली अगर D3O आर्मर आप देखते हो तो जैकेट्स का प्राइस अराउंड 17,000-18,000 रुपीस तक का होता है। रॉयल एनफील्ड हैज डन अ ग्रेट जॉब, 11,500 रुपीस में यू आर गेटिंग D3O आर्मर ऑन दिस जैकेट। सो या मल्टीपल चॉइसेस, चूज अ जैकेट जिसमें अच्छी एब्रेजन रेजिस्टेंस हो, प्रोटेक्शन अच्छी हो इन टर्म्स ऑफ आर्मर बढ़िया हो एंड शुड हैव अ लॉट्स ऑफ पॉकेट्स एज वेल, बिकॉज अगर आप लंबी ट्रिप पे जाते हो आपको इधर उधर सामान
सामान वगैरह रखने के लिए ना बहुत सारी जगहें चाहिए होती हैं, जितनी ज्यादा पॉकेट्स होंगी आपके लिए उतना हेल्पफुल होगा। सो बेसिकली नाउ वी आर लुकिंग एट ऑलमोस्ट लाइक 15,000 रुपीज, 11,000 की हमारी ये जैकेट है, 4,000 रुपए का डिसेंट हेलमेट आ गया। सो 15,000 में आपका जैकेट एंड हेलमेट कवर हो गया। सो दिस इज वन ऑफ द न्यू राइडिंग पैंट्स दैट आई गॉट रिसेंटली, दिस इज अगेन फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, इसका स्पेसिफिक मॉडल नेम है सियरा। सो ये राइडिंग पैंट अराउंड 7,000 रुपीज की है। ऑब्वियसली इसमें नी प्रोटेक्शन है, इसमें साइड्स में प्रोटेक्शन है आपके। अगर आप इसमें ध्यान से देखें, नॉर्मली पैंट्स में एक जिप भी आती है जो आपकी जैकेट से पीछे अटैच हो जाती है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ राइडिंग यू डू, यू माइट नीड दिस जिप, यू माइट नॉट नीड दिस जिप। बट अगेन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट राइडिंग पैंट, ब्रॉडली स्पीकिंग आपका बजट अराउंड 7,000 टू इन्फिनिटी कहूंगा। अगेन बहुत बहुत महंगी आती हैं, बट आई वुड से एनीथिंग इन द रेंज अबाउट 7,000 to 8,000 रुपीज आपको एक ठीक ठाक बढ़िया राइडिंग पैंट मिल जाती है। ऑफ कोर्स जितनी भी राइडिंग गियर की बात कर रहा हूँ उसमें देयर इज अ कैटेगरी ऑफ किस टाइप के वेदर में कौन सी राइडिंग गियर सूट करती है। कुछ राइडिंग जैकेट्स विंटर के लिए होती हैं, कुछ राइडिंग जैकेट्स समर के लिए होती हैं, डिपेंडिंग ऑन द मैश दैट दे यूज इन द जैकेट। सो आपको उसके हिसाब से चेक करना है। मोस्ट ऑफ द राइडिंग गियर कम्स विद वेदर प्रोटेक्शन, उसमें आपको एक रेन लाइनर मिलेगा, एक विंटर लाइनर मिलेगा, कुछ में नहीं मिलता, आपको सेपरेटली खरीदना पड़ता है। सो कंसिडर दैट एज वेल। सो विद दैट वी आर नाउ इंचिंग टूवर्ड्स 22,000 स्पेंट ऑन राइडिंग गियर। सो 11,000 की जैकेट, 4,000 की हेलमेट, 15,000 एंड 7,000 to 8,000 रुपीज अगर जोड़ें तो 23,000 to 22,000 रुपीज में आपका जैकेट, हेलमेट एंड राइडिंग पैंट आ गई। नेक्स्ट आते हैं राइडिंग शूज। सो अगर हम राइडिंग शूज की बात करें, शूज पे आई फील के कुछ लोग बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। लोग स्पोर्ट्स शूज पहन के चलाते हैं बाइक को, या कई लोग जो नया स्टार्ट आउट कर रहे हैं वो सोचते हैं कोई भी एक हैवी मोटी हील वाला जूता पहन लें, लाइक वुडलैंड का जूता मैंने लोगों को पहने हुए देखा है, मैंने कैट के जूते लोगों को पहने हुए देखा है। वुडलैंड में ही थोड़े स्टील टो वाले जूते आते हैं वो लोग पहनते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस, इनमें से कोई भी जूते ना लिटरली आपको अच्छी प्रोटेक्शन नहीं देंगे अगर बाई चांस आप गिरते हो। सो राइडिंग शूज अगेन लॉन्ग ट्रिप्स पे जाने के लिए दो टाइप के आते हैं। फर्स्ट वन इज दिस वन, ये जो राइडिंग शूज है ये थोड़ा सा मिड हाइट का है, पूरा आपके नीज के ज्यादा पास नहीं आएगा, हाफ ऑफ योर शिन वहां तक आता है। दिस इज अ गुड टूरिंग शू डैट आई गॉट फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, दिस इज अराउंड लाइक 8,000 रुपीज। सो अगर कैलकुलेशन करें वी वर लाइक एट 23,000 to 24,000 रुपीज, 32,000 ले जाता है अगर आप इस टाइप का जूता लेते हो। बट अच्छा राइडिंग शू लेने के ना बेनिफिट्स हैं, प्रॉपर गुड प्रोटेक्शन ऑन द टो, हील पे बहुत स्ट्रांग प्रोटेक्शन मिलती है, ऊपर से मोस्ट ऑफ द शूज आजकल वाटरप्रूफ भी आते हैं, तो अगर आप वाटर क्रॉसिंग्स में जाते हो, बारिश में बाइक चलाते हो, तो आप ना ठीक ठाक तरीके से कवर्ड रहते हो वेदर से भी। और ये शूज की अगर आप लुक भी देखो तो दिस शुड गो विद मोस्ट ऑफ द जीन्स, इतना ज्यादा बुरा भी नहीं लगेगा अगर आप ऑफिस में भी पहन के जा रहे हो उस जूते को। अपार्ट फ्रॉम दैट शू देयर इज दिस बिगर वर्जन ऑफ द शू, अगर आप इस शू को देखो काफी गंदा लग रहा है, मैं इस शू को पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूँ। दिस इज अ राइडिंग शू फ्रॉम अनदर ब्रांड, अगेन वाटर रेजिस्टेंट एंड फुल लेंथ, अगर मैं इसे पहनूंगा तो ये पूरा नी तक आएगा, एंड दिस ऑल्सो गिव्स ग्रेट प्रोटेक्शन। सो आई सी मोस्ट ऑफ द पीपल थिंकिंग यार राइडिंग शू पहनेंगे तो चलेंगे कैसे, कंफर्ट नहीं होगा, हार्ड होते हैं, बट अगर आप प्रॉपर टूरिंग के लिए राइडिंग शू लेते हो सो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, मतलब इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा कि स्पोर्ट्स शूज जैसा होगा, बट अगर आप इनको पहन के नॉर्मल थोड़ा बहुत चलना पड़ रहा है बाइक से उतर के, किसी बढ़िया जगह पे गए हो, वॉक कर रहे हो, तो इतना कोई इशू नहीं होगा, राइट। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट अ स्पेंड ऑफ व्हाट 32,000 to 33,000 रुपीज, क्योंकि पहले हम 22,000 में थे विद जैकेट, हेलमेट एंड पैंट, नाउ उसमें अगर 10,000 आप शू का भी ऐड कर दो तो 32,000 to 33,000 रुपीस के स्पेंड पे आ गए। फाइनली वी नाउ टॉक अबाउट द लास्ट एलिमेंट व्हिच इज ग्लव्स। सो या दीज आर द ग्लव्स, अनदर न्यू सेट ऑफ ग्लव्स फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, एंड ऑफ कोर्स ग्लव्स कई वैरायटीज के आते हैं लाइक ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द राइडिंग गियर, बट प्रॉपर ग्लव्स व्हाट सॉर्ट ऑफ मनी यू आर लुकिंग एट हेयर, आई थिंक एनीथिंग बिटवीन 3,000 to 4,000 रुपीज आपको एक अच्छे ग्लव्स मिल जाएंगे। दीज ग्लव्स फ्रॉम रॉयल एनफील्ड आर 3,000 रुपीज, वेरी गुड कंस्ट्रक्शन, लेदर फिनिश वाले हैं, सो आई वुड से दीज आर फॉर विंटर्स, अगर आप समर में राइड कर रहे हो तो मैश वाले ग्लव्स भी आते हैं, बट एनीथिंग बिटवीन 2,500 to 4,000 रुपीज आपको आज के टाइम पे अच्छे ग्लव्स मिल जाएंगे। सो दैट इज वेयर वी आर राउंडिंग थिंग्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसिस, अगर
ज़रा पूरे एक्सपेंसेस देखें तो 4,000-5,000 की हेलमेट भी लगा लें, 5,000 की हेलमेट लगा लीजिए, 11,000 की राइडिंग जैकेट लगा लो तो 16,000 हो गए, 7,000-8,000 रुपये की राइडिंग पैंट लगा लो तो 24,000 रुपये हो गए, और 10,000 के भी अगर आप जूते लगाते हो तो 34,000 रुपीज़, प्लस मे बी लाइक 4,000 रुपीज़ फॉर ग्लव्स, सो 38,000-40,000 रुपीज़। आई नो सुनने में बड़ा अमाउंट लग रहा है, बट कंपेयर इट टू द मोटरसाइकिल दैट यू हैव बॉट, मे बी लाइक अ 4 लाख रुपी और अ 5 लाख और अ 6 लाख रुपी मोटरसाइकिल दैट यू आर राइडिंग, इवन इफ यू आर राइडिंग अ 2 लाख रुपी मोटरसाइकिल एंड टूरिंग ऑन रोड्स, लंबे लंबे ट्रिप्स पे जा रहे हो, तो आई फील दिस 40,000 रुपीज आर रियली गोइंग टू सेव योर लाइफ इफ एनीथिंग बैड हैपेंस। ऑफ कोर्स नोबडी एक्सपेक्ट्स एन एक्सीडेंट, बट मेरे साथ भी हुआ है, 1.5 साल हो गया मेरे साथ, 1.5 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, एंड ट्रस्ट मी राइडिंग गियर वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल। इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली राइडिंग गियर ने मुझे किस तरह से बचाया व्हेन आई मेट विद एन एक्सीडेंट। सो हेयर इज़ अ रियल टाइम एग्जांपल, 2021 जून जुलाई में मेरा एक्सीडेंट हुआ था एंड आई वाज वेयरिंग दिस राइडिंग जैकेट। यू सी दिस पैच हेयर, अगर आपको यहाँ पे ये पैच दिख रहा है, यहाँ से एक्चुअली राइडिंग जैकेट थोड़ी सी फट गई थी तो इसलिए हमने इस पर पैच लगाया है, बट अगर ये राइडिंग जैकेट का कपड़ा इतना ज़्यादा अच्छा ना होता, आई वाज टॉकिंग अबाउट अब्रेजन रेजिस्टेंस 600D टाइप का मटेरियल जो आपको बचाता है, स्क्रीन पे स्क्रैचेस नहीं लगने देता, ये 600D की वाली राइडिंग जैकेट है। एंड अगर आप इसके अंदर देखें तो यहाँ पे ये देखिए मेश तक फट गई थी उस इम्पैक्ट से, एंड ट्रस्ट मी ये इम्पैक्ट ना 60 km/h की स्पीड पे हुआ था तो ये हालत हुई थी अगर आप कॉन्क्रीट पे गिरते हो तो। सी दिस ऑन द राइडिंग पैंट, अगर आपको ध्यान से देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये स्क्रैचेस, ये सारे स्क्रैचेस नी पैड पे हैं। सो अगर जब मैं बाइक से गिरा था सो ये सारे स्क्रैचेस इस प्रोटेक्टर पे आए थे, ये ना होता तो हमारी नी का बैंड बच जाता। सो एक्चुअली इस वीडियो में मुझे आप लोगों से यही शेयर करना था, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ पीपल थिंकिंग कि यार राइडिंग गियर में पैसे खर्चने में तो बैंड बच जाएगा, बाइक पे जितने मर्जी कर लो। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू, 35,000-40,000 रुपीज़ अगर आप राइडिंग गियर पे खर्चते हो तो आई थिंक वो राइडिंग गियर आपके लिए ना अराउंड 5 साल तो बढ़िया तरीके से चलेगी, एंड दैट इज़ नथिंग कंपेयर टू एनी सॉर्ट ऑफ इंजरी दैट यू विल दैट विल हिट यू हार्ड व्हेन यू फॉल फ्रॉम द मोटरसाइकिल। अब ये सोचना कि मैं बाइक से कभी नहीं गिरूंगा, दैट विल be foolishness. So that is a thought I would want to be with you for a long time. Agar aap ek nayi motorcycle khareed rahe ho to at least budget for 35,000-40,000 rupees. Baki if you are buying a premium motorcycle, I think aapke paas wo paisa hai khareedne ka 10-12 lakh ki motorcycle, to why not go for the best riding gear that you can buy in the budget. Please don't come with that mindset ki bike khareed li riding gear ko 2-3-5 mahine ya saal mein dheere dheere khareedenge. उस राइडिंग गियर की कॉस्ट को डेफिनेटली अपनी बाइक खरीदने की कॉस्ट में ज़रूर बजट करना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थोड़ा सा शायद लंबा हो गया, बट दिस वॉज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, बाय बाय।